अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत मेहरबान और रहमत करने वाले हैं, रोज़े जज़ा का मालिक है। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सबके मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाएँ। देखती आंखों सुनते कानों, आपसे मुखातिब है नगीना सादे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नगीना कुकिंग सीक्रेट। ड्रिंक लेके आए हैं आप लोगों के लिए लाल शरबत, जो सबको घर में बहुत ही पसंद होता है। इसीलिए हमने सोचा कि आज आपको बनाने का तरीका बताते हैं। हम जब मार्केट से रूह अफज़ा या जामेश्री लेके आते हैं तो उसको तैयार करने का भी एक तरीका आता है, वो मैं आपको बताने लगी हूँ। शुगर सिरप ऐड करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी चीनी यानी आप मीठा इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक आप ऐड कर लीजिएगा। लाल शरबत ऐड किया है, हाफ चम्मच काला नमक ऐड कर रहे हैं, लेमन के कटे हुए स्लाइस ऐड कर रहे हैं, कूल वाटर ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइस ऐड करेंगे, इसको हल कर लें और बिल्कुल तैयार है हमारा लाल शरबत। बच्चों को भी बहुत पसंद होता है, आप हमारे तरीके से भी तैयार कीजिएगा, फिर बताइएगा कितना एंजॉय करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब रोज़े रख रहे हैं और रोज़े रख के गर्मी पैदा हो जाती है जिगर में। आप ये वाला जो हमने शरबत बनाया इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला सभी की जो है ना गर्मी वो दूर हो जाएगी। जब सबकी गर्मी दूर हो जाएगी तो फिर रमज़ान में जब हम रोज़े रखते हैं तो दिमागी हीट की वजह से ना हम गुस्से से बोलते हैं, और ये सीख के सभी प्यार से बोलेंगे। तो हमें भी इजाज़त दीजिए, एक नए अंदाज़ के साथ फिर हाज़िर होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।